मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने में शिवराज खुद असमंजस में थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि मंत्री पद की भूख छोटे से बड़े हर नेताओं को होती है। यह समंजस करना शिवराज के सामने बड़ी चुनौती थी कि किसे मंत्री बनाया जाए और किसे नहीं। हालांकि सशर्त पर 22 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को भी कहीं ना कहीं भय जरूर था, क्योंकि भाजपा में बैठे वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को भी शिवराज सरकार द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता था। इसी बीच कोरोना संकट खड़ा हो गया, जिससे शिवराज को थोड़ी राहत तो मिल गई, मगर उनके सिर पर कांटों का ताज बरकरार बना रहा, क्योंकि इस संकट की घड़ी में शिवराज भी हर महत्वपूर्ण विभाग में अकेले पड़ गए थे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी जरूरी था। तो वहीं विपक्ष भी 10 सिर वाले शिवराज कहकर बार बार ताना मारता रहा। इन्हीं सब कारणों से शिवराज सिंह चौहान ने छोटा मंत्रिमंडल गठित किया, जिसमें 2 सदस्य सिंधिया खेमे के और 3 विधायक भाजपा से लेकर मात्र 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और आज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए हैं। अगर सूत्रों की माने तो इन नैनो मंत्रिमंडल में भी सिंधिया अपने खेमे के लोगों को गृह मंत्रालय तथा नगरीय प्रशासन जैसे मलाईदार विभाग दिलाना चाहते थे, मगर उनके शिवराज सरकार ने में एक ना चली। बाद में यह कहकर छोड़ दिया गया, तो वहीं सिंधिया खेमे के शेष 20 बागी कांग्रेसियों लोगों की सांसें भी फूलने लगी हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनने का आश्वासन मिल चुका था। अगर उपचुनाव के पहले मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता और उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता, इसलिए उन्हें पुनः जनता के बीच आकर पहले जनता का विश्वास जीतना और फिर उपचुनाव जीतना उतना आसान नहीं होगा। इससे उनका भविष्य खतरे से खाली नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंधिया समर्थकों को तवज्जो के साथ साथ अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब कौन बागी बन जाए यह डर भी शिवराज को अंतरात्मा में सता रहा होगा। हालांकि अभी तो शिवराज ने छोटा मंत्रिमंडल गठित कर इस संकट को टाल तो दिया है, मगर यह घाव कहीं उनके लिए नासूर ना बन जाए, यह भी आके देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश स्टेट हेड अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है, मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे, तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे, कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे, गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे, मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो COVID-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। हमने इसके अतिरिक्त अलग अलग काम भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.